अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डिवीजन एंड फ्रैक्शंस। आपको मालूम है कि जो हम सिंपल डिवीजन करते हैं, डिवीजन हाउस बनाते हैं और हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, एक रिमाइंडर आता है, उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह सिंपल डिवीजन को फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फॉर्म में हो तो आपको उसको डिवाइड करना ही पड़ता है, क्योंकि फ्रैक्शन का आंसर आप जब भी देते हैं उसको प्रॉपर फॉर्म में देते हैं, और जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा मिक्स नंबर में आता है। सबसे पहले हम सिंपल डिवीजन देखेंगे। अगर आपके पास है 7 / 3, तो बेटे 7 इसके अंदर आपका डिवाइडेंट है और 13 आपका डिवाइज़र है। ये तो आप हमेशा से करते आए हैं, क्लास 1 से आप लोग डिवीज़न कर रहे हैं। अगर आप इस सिंपल डिवीज़न को फ्रैक्शन में पहले एक्सप्रेस करेंगे तो आप फर्स्ट 5 डिजिट जो कि आपका डिवाइडेंट है उसको न्यूमरेटर बनाएंगे, और सेकंड डिजिट जो कि आपका डिवाइज़र है, जिस टेबल से आप डिवाइड करते हैं उसको आप डिनोमिनेटर बनाएंगे। जो एग्जांपल 2 है उसमें 3/11 है, तो 3 इज़ योर न्यूमरेटर एंड 11 इज़ योर डिनोमिनेटर। इन थर्ड एग्जांपल 8/3, 8 इज़ अ डिवाइडेंट, इट बिकम्स न्यूमरेटर, एंड 5 इज़ द डिवाइजर, इट बिकम्स डिनोमिनेटर। इसी तरह क्वेश्चन 4 में आपके पास 9/16 है, तो 9 न्यूमरेटर हो जाएगा और 16 डिनोमिनेटर। अब आप इसमें ये देखेंगे कि जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो किस तरह आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हैं। 9/137/9, इसको आपने स्टेप डिवीजन की मदद से बेटे डिवाइड किया। 9 ones are 9, 13 minus 9 4, और 4 क्योंकि 9 की टेबल में नहीं आता तो आपने नेक्स्ट डिजिट 7 को कॉपी डाउन किया, इट बिकम्स 47। 9 के टेबल इतना बढ़ा कि या तो 47 आ जाए या 47 से कम, तो हमारे पास सबसे सूटेबल नंबर था 45। 9 5 times 45, 5 आपने क्वेश्चन में लिख दिया और नीचे आपने 45 लिख दिया, आपके पास रिमाइंडर आ गया 2। अब बेटे इस डिवीजन पे अगर गौर करें तो आपके पास 3 टर्म्स हैं। एक है क्वेश्चन जो कि आपका टॉप पे लिखा हुआ है, दैट इज़ 15, और नेक्स्ट आपका है डिवाइज़र जो कि आपका डिनोमिनेटर बनता है, और एक होता है रिमाइंडर जो कि आपका न्यूमरेटर बनता है। क्वेश्चन बनता है आपका होल नंबर, जो आपके पास रिमाइंडर होता है वो बनता है आपके पास न्यूमरेटर, और डिवाइज़र होता है डिनोमिनेटर। इस तरह जो आंसर होता है आपके पास आता है बेटे, वो आता है एक मिक्स नंबर के फॉर्म में। इस एग्जांपल में भी आपके पास 7/4 है जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7 इज़ अ डिवाइडेंट, वो डिवीज़न हाउस के अंदर जाएगा। 4 इज़ द डिवाइज़र, वो डिवीज़न हाउस के बाहर आएगा। 4 ones are 4, 7 minus 4 3। अब ब्राउन कलर में जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है दैट इज़ 1, वो कोशेंट है और वो आपका होल नंबर बना। 4 आपके पास बेटे डिनोमिनेटर है जो कि पहले भी डिनोमिनेटर में था और जिसे आप डिवाइज़र भी कहते हैं, और 3 जो कि रिमाइंडर है वो बना है न्यूमरेटर। इस तरह आपका सिंपल डिवीजन से सिंपली आंसर आ सकता है इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज़ अ मिक्स नंबर। जब आप 2 नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो एक्चुअली यू आर डिवाइडिंग द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। अब इस क्वेश्चन में एग्जांपल में जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज़ 21/5, 5 इज़ द डिवाइडेंट, वो आपका डिवीज़न हाउस के अंदर जाएगा। 5 इज़ द डिवाइज़र, वो बाहर आएगा। 5 4s are 20, सिंपल डिवीज़न जैसे आप हमेशा से करते आए हैं। एंड 21 minus 20, रिमाइंडर इज़ 1, 4 remainder 1। बेटे इसमें से 5 आपका डिनोमिनेटर पहले भी था, अब भी रहेगा, पहले भी डिनोमिनेटर में लिखा गया था, अब भी देखिए पर्पल कलर से सेम सिंपल डिनोमिनेटर में 4 जो कि आंसर आया, जो कि आपका क्वेश्चन कहलाता है, वो आपका बन गया होल नंबर, वो आपका बन गया है होल नंबर। और जो कि रिमाइंडर है जिसे आप लोग R1 लिखते आए हैं वो बन गया न्यूमरेटर, और इस तरह थस वी ऑब्टेन्ड अ मिक्स नंबर। इस एग्जांपल में देखिए 7/3,
इसको आपने डिवाइड करके कन्वर्ट करना है इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में। सिंपल, हम जानते हैं कि 3 जब हम इस तरह लिखते हैं तो हम एक्चुअली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे होते हैं। इसमें न्यूमरेटर है 7, वो जाएगा डिवीजन हाउस के अंदर, और आपका डिनोमिनेटर है 3, उसको डिवाइड किया जाएगा 3 से। 3 2 6, 7 minus 6 1, बेटे 2 इज़ द कोशेंट, इट बिकम्स होल नंबर, 1 इज़ द रिमाइंडर, इट बिकम्स न्यूमरेटर, एंड 3 इज़ द डिवाइजर। बेटे वो पहले भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था, अब भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, और यूँ आपका आंसर बन गया 2 होल नंबर 1/3। अगर इसके फर्दर कटिंग हो, पॉसिबल हो, तो बेटे आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। हम हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके आंसर देते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसमें सारी मैंने आपकी आसानी के लिए लेबलिंग भी कर दी है। अगेन 7 divided by 3 है बेटे, 7 इज़ योर डिवाइडेंड, 3 इज़ योर डिवाइजर। व्हेन यू डिवाइड 7/3, 3 2 are 6, 7 minus 6 1, 2 एट द टॉप ऑफ द डिवीजन हाउस बिकम्स कोशेंट, 1 एट द एंड बिकम्स रिमाइंडर। और आप ये 3 में भी ऐसे करके आएँ, 7 divided by 3 इज इक्वल टू 2 are 1, जिसमें 7 डिवाइडेंड है, 3 आपका डिवाइजर है, 2 आपका कोशेंट है, और 1 आपका रिमाइंडर है। यहाँ तक तो आप क्लास 3 में भी करके आए हैं। अब सिंपली इस वाले आंसर को आपने मिक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे करना है, 7 divided by 3 को आपने 7 को न्यूमरेटर में लिखना है, 3 को डिनोमिनेटर में, 2 आपका होल नंबर है क्वेश्चन, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर है, और आपका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ही रहेगा। इसी तरह ये एग्जांपल 2 है, टू कन्वर्ट 20/3 इनटू अ मिक्स नंबर, 20 divided by 3, आपको पता है 3 6 18, जब आप 18 से करेंगे तो 20 minus 18 2, तो आपका आंसर सिंपल कैसे आ जाएगा, 6 होल नंबर्स दैट वाज क्वेश्चन, 2 न्यूमरेटर दैट वाज रिमाइंडर, एंड 3 दैट वाज द डिवाइजर, इट बिकम्स योर डिनोमिनेटर। 6 आपका होल नंबर बन जाएगा, 2 आपका न्यूमरेटर में जाएगा, और 3 आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। ये बहुत आसान है क्योंकि आपको सिंपल डिवीजन तो आती ही है, उसको बस आपने मिक्स नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अगर आप ये फार्मूला याद कर लें मेरे बेटे, कि मिक्स नंबर में आपके पास Q R/D होता है, जिसमें Q आपका कोशेंट होता है, R आपका रिमाइंडर होता है, और D आपका डिनोमिनेटर होता है, Q R/D। 15 divided by 7, 7 जो है आपका डिवाइजर बाहर आएगा, 15 डिवीजन हाउस में जाएगा। जब आप इसको करेंगे, 7 2 are 14, 1 आपका न्यूमरेटर क्योंकि वो रिमाइंडर बन जाएगा, 7 आपका डिवाइजर है, वो डी से डिनोमिनेटर बन जाएगा, 2 आपका आंसर है, वो कोशेंट है, वो एज अ होल नंबर लिखा जाएगा। बस बेटे आपने चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन गिवन नहीं है, तो पहले आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है, सिंपल डिवीजन है। आपने इसको डिवीजन करने के बाद सिर्फ मिक्स नंबर के एक्सप्रेस करना है। आपके पास जो होमवर्क आ रहा है बेटे, उसमें ये सारे कुछ एग्जांपल्स इसमें से मैंने सॉल्व की हुई हैं, आपने सिर्फ उनको सामने एज एग्जांपल रखना है, और अगर आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। ये कलर डिजिट्स में भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, अगर 28 divided by 5 है, 5 इज़ योर डिवाइजर, वो बाहर आएगा, 28 इज़ द डिवाइडेंट, वो डिवीजन हाउस के अंदर जाएगा, 5 5 से 25, 28 minus 25 3, जो ब्लू बॉक्स में है दैट इज़ योर होल नंबर, वो क्वेश्चन था, जो 3 आपके पास पिंक बॉक्स में गिवन है वो आपका न्यूमरेटर है बेटे, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर है वो आप ऊपर क्वेश्चन देखिए, पहले भी डिनोमिनेटर था, वो अब भी डिनोमिनेटर रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी पेश नहीं आएगी, इंशाल्लाह ताला आप लोग इसको इजीली कर लेंगे। सिर्फ एक चीज़ है, प्रैक्टिस, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपसे इजीली हो जाएगा। यही आपका असाइनमेंट है, आपने क्वेश्चंस करने हैं 1 से लेकिन 12, जो कि आपके पेज नंबर 28 और 29 पे गिवन है। उसमें आपके पास वैसे ही जैसे क्लास 3 में था,
जैसे कि 7 / 3, तो आपने उसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, फिर आपने उसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपने उसको मिक्स नंबर में एक्सप्रेस करना है। और बेटे अगर उसकी कटिंग होती होगी, उसकी सिंप्लीफिकेशन होती होगी, तो आपने लाजमी कटिंग करनी है। फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर देते हैं, कभी भी आपका आंसर इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। इसी से रेलिवेंट आपकी एक दूसरी एक्सरसाइज है जो कि पेज नंबर 33 से लेकर 36 पर गिवन है, वो 24 क्वेश्चंस है। उसमें ऑलरेडी आपके पास फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने देखना है कि इसकी सिंप्लीफिकेशन हो रही है, कटिंग हो रही है, क्या उसको डिवाइड किया जा सकता है। पहले आपने उसको सिंप्लीफाई कर लेना है और फिर आपने उसको डिवाइड करके मिक्स नंबर में आंसर देना है। ये आपको इंशाअल्लाह कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि आपको गाइडेंस के लिए मैंने कुछ सम्स खुद भी सॉल्व किए हुए हैं जो आपके होमवर्क में ऑलरेडी मेंशन है, उसमें क्वेश्चंस भी मेंशन किए हुए हैं। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपनी बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। बस बेटे प्रॉपर स्टेप्स कीजिएगा और लोएस्ट टर्म में आंसर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।